हाँ भी कैसे हो? क्या कुछ पढ़ लिया था भी? खाली तवरण ओखो पहुंचा तवरण तई हैं? बता फिर चाल गिन गए किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में समय के सापेक्ष तय की गई मार्ग की या तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? ठीक है, चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, मोशन किसे कहते हैं? चंद्रमान गति। दीवारों पर की कौन लिखेड़ो मोशन? हाँ मैं, हाँ तय किए गए पथ की कुल लंबाई मोशन कहलाती है। रेस्ट किसे कहते हैं? खड़े हो, रेस्ट विराम। अभी रेस्ट ही करो तो। हाँ भूपेंद्र रेस्ट। कोई वस्तु की तुलना यदि आसपास की क्या करें वस्तुओं से की जाए, किसी एक की तुलना किसी दूसरी से की जाए और वो दूसरी की अपेक्षा चले ना, पड़ी रहे, स्थिर रहे, तो वो कहते हैं वस्तु किसमें है? वो विराम में है। बैठो तीनों के तीनों। हाँ विलंबू, वेलोसिटी, हाँ वेग। देख ले, पढ़ ले रहा हूं, देख के बोल दे, अपने बोल दे वस्तु। सूत्र नहीं चाहिए, सूत्र जो टेस्ट में सवाल दूंगा अभी टाइम चाहिएगा, अभी फिलहाल परिभाषा दे। हाँ देख ले, देख ले, विस्तृत की दूरी ऐसे नहीं है, निश्चित दिशा में निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग का मात्रक, ना मात्रक, मात्रक यूनिट। चल मात्रक ना बता, विमा बता दे वेग की। है L1 T-2 है, एक्सेलरेशन है, विमा एक्सेलरेशन की याद है और बताने ला रही है परिभाषा की वेग की। शाबाश, बैठो। हाँ विनोद कुमार खड़े हो, क्या पढ़ रहे थे? त्वरण इंग्लिश में एक्सेलरेशन। ठीक है, बताओ क्या चीज है त्वरण? देखो ये ओखो सो नाम है ही। ठीक है, विनोद कुमार अपने को आज त्वरण सिखाएगा। क्या सिखाएगा? त्वरण है कि नहीं है यहां है? हाँ तो इस डायग्राम को देख के डेफिनेशन बना सकते हो क्या? चेहरा देख के मैं डेफिनेशन बनाऊं? हाँ भी कोई बना सकता है, बैठ जा विनोद। इस चित्र को देख के क्या त्वरण की परिभाषा याद आ रही है? क्या याद आ रही है? एक कार चल रही है कितनी? 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, लेकिन 10 सेकंड के बाद में, कितनी देर के बाद में उसकी रफ्तार बढ़कर, स्पीड बढ़कर 35 मीटर प्रति सेकंड होगी। अर्थात परिवर्तन हुआ किसमें? वेग में। किसमें परिवर्तन हुआ? तो वेग में परिवर्तन की दर को किससे प्रभाषित करते हैं? त्वरण से प्रभाषित करते हैं। त्वरण का प्रतीक क्या था? एक्सेलरेशन का प्रतीक क्या था? ए। और फॉर्मूला क्या था? ए बराबर, सब लिखवाया कल, यही करवाया था लास्ट, उसी से शुरू करेंगे है? डेल्टा वी बटा में डेल्टा टी और डीवी बटा डीटी और जो आपके रट्टे लगे हुए हैं वो बताओ मेरे को तो है? वी माइनस यू के यू माइनस वी बटा में टी के दो, प्लस का निशान है माइनस का। ठीक है चलो, कुछ तो याद है, यानी कि टेस्ट में अब मैं गोलमोल कर सकूं उतार सके। ठीक है, पूछूंगा के पूछूंगा औसत वेग का सूत्र बताओ, चारों में से ढूंढना होगा, थे सूत्र ठोके होगा कि वो त्वरण को ना ठोको तो मन कह दियो ने, क्योंकि तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है v, यानी कि कौन सा वेग,
अंतिम वेग और यू यानी कि प्रारंभिक वेग टी यानी कि समय, तो दिखाए गए चित्र में त्वरण का मान बताइए जल्दी। प्रदर्शित चित्र के अंदर त्वरण का मान बताइए जल्दी जल्दी करो भी। हाँ कर लियो, आसान है, त्वरण निकालना कोई मुश्किल थोड़ी है। अंतिम वेग कितना है? 35। जब भी अपने सवाल करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो यूनिट्स को गणनाओं में शामिल नहीं करते, हमें त्वरण की यूनिट पता है क्या है? हाँ ओटिला, मीटर प्रति सेकंड, बात वेग की है, ये फेर मारा गया क्योंकि पेपर में आपकी हरियाणा ही हुई है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेग बटा में समय है, दो बार समय है और दोनों बार समय कहां पड़ा है? बटा में पड़ा है, ठीक है ना, वो देखेंगे। तो 35 माइनस प्रारंभिक वेग कितना था, कितनी देर में परिवर्तन हुआ? 10 सेकंड में। तो ये लो जी, 5/10 यानी कि त्वरण कितना आया? तो दिखाई गई कार का त्वरण है 0.5, आगे मात्रक क्या लिखूंगी, मीटर प्रति सेकंड की। अगर मैं विमाओं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं भाई? एल की घात, एम की घात 0 और टी की घात माइनस की 2। वो विमाएं जो होती है ना, कभी भी न्यूमेरिकल्स हल करते समय लिखी नहीं जाती, ध्यान रखना। विमा एक अलग कॉन्सेप्ट है, मात्रक एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये समीकरण एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये सूत्र बनने एक अलग कॉन्सेप्ट है। सूत्र पे मात्रक रखकर मूल मात्रक निकालना, व्युत्पन्न मात्रक निकालना, सॉरी, वो एक अलग प्रक्रिया है। तो यानी कि एक ही चीज के अंदर चार चार प्रोसेस या पांच पांच प्रोसेस दोहरानी पड़ती है हमें। चीजें मुश्किल हैं लेकिन हमें मुश्किल इतनी करनी नहीं है, तो आसान से हम क्या चला रहे हैं। कार कभी ले आओगा कार जिंदगी में? कार खड़ी है, स्टार्ट है, सर्दियां है, मान लो स्टार्ट कई देर रखनी पड़ती है ना, और फिर स्टार्ट करने के बाद में अगले 30 सेकंड के अंदर आपकी कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। कार स्टार्ट होने के बाद कितने सेकंड पश्चात, 30 सेकंड के पश्चात कार की रफ्तार कितनी थी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहा हूं मैं, मारा गया थे फिर। ध्यान रखना, रट्टे लगा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, सब कुछ मीटर प्रति सेकंड से, लेकिन हम जो है गति को, सॉरी स्पीड को जो है, वो चाल को जो है, वो मीटर प्रति सेकंड में नहीं देखते, हम तो नापते हैं किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर तो 1000 मीटर और घंटा मतलब सेकंड कितने, 3600। वो रूपांतरण भी इसीलिए दिए साथ में, ठीक है। अब की बारी टेस्ट में नंबर न आने का कारण आपकी जल्दबाजी होगी, ध्यान रखना, क्योंकि मैं वार्निंग दे रहा हूं रोज, ठीक है ना, किस पढ़ लो इन चीजों को आराम से, और कुछ नहीं करना, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, इकाई का रूपांतरण, मीटर को फुट में, फुट को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को एमएम में, एमएम को माइक्रोन में, ठीक है ना, ऐसे करके वो देख लेंगे, डरो मत। अब वो कहो माइक्रोन क्यों है, मैंने बताया ही को नहीं, टेंशन तो बताया तो मैंने कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो ये था कौन, त्वरण। अदिश के सदिश कुछ लिखवा, अदिश सदिश लिखवाया था क्या त्वरण के बारे में कुछ, लास्ट ये सूत्र ही था मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद बताओ तरण, त्वरण जो है अदिश राशि के सदिश है, हाँ तो लिखो यह है सदिश राशि है, यह है सदिश राशि है। और ये तो लिख लिया था ना कि ये जो कर्सिव वी है ये कौन सा वेग है, ये डेफिनेशन तो लिखवा दी थी कि वी अंतिम वेग है और यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, टी समय, जो समय लगा अंतिम से प्रारंभिक में जाने का वो समय टी है, नहीं लिखा तो लिख लेना भी। और एक खुद एक्सेलरेशन है, त्वरण है, ठीक है। हाँ तो त्वरण एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, त्वरण जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। ध्यान रखना गति, सॉरी जो स्पीड है चाल, ठीक है, वो शून्य होने की स्थिति में तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर त्वरण शून्य है तो हम ये नहीं कह सकते कि गति भी चाल ये भी क्या है, शून्य है, ठीक है ना। तो इसके कुछ फॉर्मेशन है, कुछ उदाहरण है, उनसे आप समझ सकते हो, लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास नियम ही नहीं है। अभी हमारे पास क्या नहीं है, किसके नियम नहीं है,
गति के, जिन कारकों पर गति मोशन डिपेंडेबल है उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो उसके वो कारक जानने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे हम नियमों तक पहुंच सके। ठीक है, पढ़ाने को न्यूटन की गति का नियम दूसरे दिन पढ़ा दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें काम में आती है, एक नाम काम में आता है, उसके अंदर जड़त्व के अंदर स्थिर है तो स्थिर, स्थिर मतलब रेस्ट, गतिशील है तो गतिशील, गति मतलब मोशन, मोशन साथ में आ गया तो किस मोशन पे है भी वो, कितनी उसकी स्पीड है, कितने वेग पे वो गतिमान है, कितना उसमें त्वरण पैदा हो रहा है, सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरे नियम की बात करेंगे, संवेग नाम आएगा, क्या नाम आएगा, आता है कि नहीं आता, संवेग नाम आ गया तो फिर आवेग भी पढ़ना पड़ेगा, और संवेग और आवेग पढ़ना पड़ेगा तो द्रव्यमान द्रव्यमान और फिर हमें बल की परिभाषा चाहिएगी, बल की परिभाषा पहले नियम से आएगी, तो हम सब कड़ियों को जोड़ के पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो अब इसी त्वरण को दोबारा देखेंगे, लेकिन इस बार दो अलग अलग रूपों में, एक धनात्मक रूप में और एक ऋणात्मक। अभी अभी आपने सवाल किया उत्तर किस में आया था, प्लस में कि माइनस में, पॉइंट पांच निकाला था, किस में आया था, माइनस में आया था, अच्छा कठाए और माइनस में ला रहे हैं यानी हुंकारा ना ब्रेक रो, किस में आया था, प्लस में आया था। अगर ये उत्तर किस में आ जाए, आ सकता है क्या, अगर मैं कार की ये वाली गति इधर लिख दूं और ये वाली वेग इधर लिख दूं तो उत्तर किस में आएगा, तो फिर 35 माइनस 30 नहीं होगा, क्या होगा, 30 माइनस 35, उत्तर आएगा माइनस में, किस में आएगा, तो त्वरण धनात्मक भी हो सकता है त्वरण, और यदि इधर ही 30 है, हर इधर ही 30 है तो, अरे बोलो भाई, 30 माइनस 30 जीरो, तो मैंने क्या लिखवाया है, त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है, त्वरण नेगेटिव भी हो सकता है और त्वरण शून्य भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इधर 30 इधर 30, क्या वेग शून्य है क्या, नहीं है, त्वरण शून्य है लेकिन वेग या गति स्पीड सॉरी शून्य हो ये जरूरी नहीं है, तो ऐसे समझ सके बात को कि नहीं समझे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलों पर डिपेंड करता है भी। तो लिखो नंबर एक धनात्मक त्वरण, कौन सा त्वरण, धनात्मक त्वरण। लिखो जब किसी वस्तु, का वेग परिमाण व दिशा, जब किसी वस्तु का वेग परिमाण व दिशा समय के साथ बढ़ रही हो तो त्वरण धनात्मक होता है। जब किसी वस्तु का वेग परिमाण व दिशा समय के साथ क्या हो, बढ़ रही हो, तो त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले चित्र को ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ये आदमी है, भागना क्या किया, शुरू किया, पहले शुरू शुरू में धीरे भागा तो भागने की रफ्तार कम थी, फिर इसने अपनी रफ्तार थोड़ी सी और बढ़ाई और अंत में अपनी रफ्तार और बढ़ा ली, तो इसका वेग जो है वो समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये उदाहरण है कौन से त्वरण का, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, कौन से एक्सेलरेशन का, इस कंडीशन में जो ए की वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, वो पॉजिटिव आएगी, कौन सी आएगी, पॉजिटिव। कोई दिक्कत, फॉर्मूला भी करवाया, फॉर्मूला वही रहेगा, उत्तर जो है वो पॉइंट पांच, यदि प्लस का आ रहा है तो धनात्मक त्वरण है, क्या दिक्कत है। सीधे शब्दों में एक और परिभाषा बन सकती है, इस चित्र को देख के धनात्मक त्वरण की परिभाषा बन सकती है, पता है क्या, ये कौन सा वेग है प्रारंभिक, ये कौन सा है अंतिम, बनाओ परिभाषा। यदि किसी वस्तु का अंतिम वेग, कौन सा वेग, उसके प्रारंभिक वेग से ज्यादा हो तो त्वरण का मान धनात्मक होता है। अब यह ना के परिभाषा मान लिखाई को पेपर में दे दी, हर चीज लिखवाई जानी संभव नहीं है, दिमाग चलाना पड़ता है, विज्ञान में यही तो है ना, आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है ना, आपको दे दिया कि ये अंडा है, इसके अंदर से बच्चा निकलेगा, ठीक है, अब आप अपना दिमाग लगाओ, हरे रंग का निकलेगा, पीले रंग का निकलेगा, सही निकलेगा, टांग टूटी हुई निकलेगी, गर्दन होगी कि नहीं होगी, वो आप अपना सोचो, विज्ञान ने तो कॉन्सेप्ट दे दिया, समझ आ रही ना बात। तो परिभाषा जरूरी नहीं है कि एक को, एक ही चीज को दिखाने की परिभाषा है, बहुत ही हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, क्या दिक्कत है। अब इस पे हमने v माइनस यू बटा टी लिख दिया, ये त्वरण के एक फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले से भी परिभाषा बन जाती है। फिर मैंने कल क्या लिखा था, डेल्टा
वी बटा में डेल्टा टी, ये भी लिखा था, इससे ही परिभाषा बनती है कि निश्चित समय में वेग में होने वाला परिवर्तन और उस परिवर्तन में लगे समय का अनुपात क्या कहलाता है, त्वरण, क्या त्वरण कहलाता है। दे सकते हो नहीं दे सकते, तो परिभाषाएं बहुत हैं लेकिन हम तो किताबों के अनुसार थोड़ी बहुत चलेंगे लेके। तो यहां पर देखोगे तो इस व्यक्ति की जो गति है समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। गति यानी कि वेग बढ़ रहा है, ठीक है, वेग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। देखो गति यानी कि ये चल रहा है, चाल यानी कि किसी स्पीड से चल रहा है, और स्पीड से चल रहा है और निश्चित दिशा में चल रहा है, तो इसके पास वेग है और देखने से प्रतीत हो रहा है लगातार इसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो त्वरण क्या आएगा, धनात्मक। प्रारंभिक गति कितनी थी, जीरो, खड़ा था, रेस्ट में था। अंतिम गति में इसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो बढ़ गया, तो इसका मतलब त्वरण क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक के बाद में ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सेलरेशन। लिखो, जब किसी वस्तु का वेग, जब किसी वस्तु का अंतिम वेग, जब किसी वस्तु का अंतिम वेग उसके प्रारंभिक वेग से क्या हो, अब बोलो ज्यादा के कम, वो शब्द आपने लगाने, मैंने बता दिया। जब किसी वस्तु का v उसके u से क्या हो, कम हो। जब किसी वस्तु का अंतिम वेग, अंतिम वेग यानी कि v, ठीक है, लेस देन हो किससे, प्रारंभिक वेग u से, इस स्थिति में त्वरण ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में जो एक्सेलरेशन है उसको नेगेटिव माना जाता है। तो दूसरे चित्र के अंदर जो ए की वैल्यू दिखाई गई है वो क्या बताई गई है, क्या बताई है, नेगेटिव बताई। कैसे बताई है, कि ये शुरू में तेज था, ठीक है, फिर ये धीरे धीरे स्लो होने लगा और अंत में आके क्या हो गया, रुक गया। कार के अंदर बैठे, स्टार्ट किया, रेस दी, कार चली, कौन सा त्वरण, धनात्मक त्वरण, कौन सा, कार चल पड़ी, चलते चलते अपनों ने क्या मार दी, ब्रेक मार दी, एकदम से कार की गति जो पहले थी अब वो नहीं रही, कम होगी, तो त्वरण कौन सा, ऋणात्मक। तो हर एक वस्तु जो गतिशील है वो सदैव एक गति से तो नहीं चलती, ठीक है, शुरुआत में कभी उसकी गति बढ़ती है और कभी उसकी गति घटती है, कई बारी टाइम पीरियड बीच का भी लेना पड़ता है। एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एक होता है एंडिंग पॉइंट, और एक होता है रनिंग टाइम, कौन सा होता है। इन तीन स्थितियों के दौरान क्या एक समान गति, एक समान वेग से चीज चलती है क्या, नहीं, कभी नहीं चल पाती, ठीक है ना। ये पंखे हैं, अभी तेज चल रहे हैं लेकिन आगे जैसे सर्दियां आएंगी हम क्या करेंगे, धीरे कर देंगे, कईयों को तो क्या कर देंगे, बंद ही कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो टाइम के अनुसार इनकी स्थितियों में परिवर्तन होगा, तो इन सब की स्थितियों में भी क्या होता है, परिवर्तन। तो त्वरण कितने प्रकार का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन जैसे ही नेगेटिव त्वरण की बात आती है एक नाम निकल के आता है, क्या नाम है, मंदन, क्या बोलते हैं, हाँ, तो त्वरण की नेगेटिव वैल्यू को किस नाम से पुकारते हैं, रिटार्डेशन, या क्या बोलते हैं, मंदन। लिखो, त्वरण के ऋणात्मक मान को, त्वरण के ऋणात्मक मान को, नेगेटिव वैल्यू को मंदन कहा जाता है। त्वरण के ऋणात्मक मान को क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है। त्वरण के ऋणात्मक मान को क्या बोलते हैं, मंदन। मंद, मंद मतलब क्या होना, धीमा होना, क्या होना। चलो मैं एक बॉल लेता हूं, उसको ऊपर उछाड़ता हूं, एक बॉल ली, उसको क्या किया, ऊपर उछाड़ा। जब उसको ऊपर उछाड़ा तो हाथ से निकलते समय त्वरण क्या था,
त्वरण क्या था? पॉजिटिव था। देखो तेज तूज नहीं होता, त्वरण तेज कम कर लिखा है थाने, मैंने लिखवाया है त्वरण के दो प्रकार है, एक तेज और एक धीमा त्वरण है। बात फिर उसी लैंग्वेज में करो ना जो लिखवाया, एक तो पॉजिटिव और एक क्या। जैसे ही मेरे हाथ में बोल थी त्वरण क्या था? शून्य था क्या? वही थोड़ो है, हाथ में बोल है तो फिर थी उसको खींच रही है अभी, आजा कट है नीचे आन को देने ला रहे, मैं बल लगा रहा हूं क्योंकि मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर, बारी बल लगा रहा हूं, पहला नियम लगा रहा हूं नहीं लगा रहा, मैं बल की वजह से उसको नीचे आने से रोक रहा हूं, यदि मैं हाथ हटा लूं तो त्वरण पैदा हो गया, पता है क्या? हाँ कोई धीरे धीरे पता लगा आराम से, अटैक आज ही बोल मेरे हाथ में है, सारी कंडीशन छोड़ो, बोल स्थिर है, बोल कोई गति नहीं कर रही, कोई इसका मोशन नहीं है, कोई इसमें वेग नहीं है, त्वरण का मान शून्य, ठीक है। अब मैंने इस बोल को यहां करके जोर लगा के कहां फेंका? ऊपर। तो मेरे हाथ से निकलते ही जब तक ये अपनी मैक्सिमम ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाती, उस समय के दौरान बीच में इसका जो वेग है वो कुछ बड़ा बड़ा कि नहीं बड़ा, और ऊपर जाते जाते जैसे ही अपने शिखर पॉइंट अंतिम स्थिति तक आ गई, इसका वेग क्या होने लगा? घटने लगा, घटने लगा ना। और ऊपर पहुंचने के बाद में एक समय ऐसा आएगा जब ये रुक जाएगी, रुकेगी ना, और उसके अगले ही पल वापस क्या आने लगेगी? नीचे। तो बताओ इन दोनों कंडीशनों में त्वरण की नेगेटिव वैल्यू कब थी? जब बोल को ऊपर फेंका गया तब, या बोल नीचे आ रही थी तब? मन ध्यान थे ऊं भी बोलोगा, बोलो भी है? नेगेटिव त्वरण कब है? जब बोल ऊपर फेंकी मैंने हाथ से तब है, या नीचे आ रही थी तब है? नीचे आ रही थी तब है, नीचे आ रही है तो उसका वेग बहुत बढ़ रहा है, नीचे आ रही है तो उसकी रफ्तार क्या हो रही है? ऊपर मैंने कहा था कुछ समय के लिए वो क्या हो गई थी? रुक गई थी। क्या हो गई थी? रुक गई। रुक गई तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया? शून्य। और अब नीचे आ रही है, अंतिम वेग बड़ा तेज है और तो पॉजिटिव है। और यहां से हाथ से फेंका तो प्रारंभिक बहुत ही क्या था, ज्यादा था, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? कम हो गया। यानी कि अंतिम वेग के मान में क्या आई? कमी। अब हम जो सोचते हैं विज्ञान की डेफिनेशनों से प्रैक्टिकल करके चीजें, उससे क्या निकलती है? उल्टी। तो ऊपर फेंका तो मंदन था, नीचे फेंका तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। लेकिन इसको ऐसे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि अब वो नीचे अपने आप कैसे आ रही है? मैं तो ऊपर फेंके बाद साढ़े अंतरिक्ष में निकल जानी चाहिए। क्रिकेटर ने बैट से बॉल को क्या किया? मारा, खींच के मारा तो बॉल तो निकल जानी चाहिए, लॉन्च हो जानी चाहिए चांद पर जाके पड़ने के बड़ू एलियन फेंकी यार बोल, वो देना चाहिए आपको। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी पृथ्वी के पास एक अदृश्य शक्ति है, एक अदृश्य बल है, कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। वो आगे पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के अंदर भी एक पैदा होता है त्वरण। पृथ्वी भी वस्तुओं में क्या पैदा करती है? त्वरण। कौन सा त्वरण? अब गुरुत्वाकर्षण बल से हो रहा है तो कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय, धनात्मक ऋणात्मक नहीं, टॉपिक चेंज। कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण। धनात्मक ऋणात्मक तो छोड़ो, ये तो त्वरण के दो वैल्यू है, ठीक है ना। अब वो तो एक उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि मेरे को आगे नेक्स्ट टॉपिक करवाना था तो मन देना पड़े। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? अब यहां पर एक और देख लो, एक्सेलरेशन बिकॉज डायरेक्शन इज चेंज, ठीक है। त्वरण जो है वो दो तरीकों से उत्पन्न होता है, या तो वेग में क्या हो परिवर्तन, और या किस में परिवर्तन हो? दिशा में परिवर्तन। तो ये मधुमक्खी उड़ी, कभी किसी दिशा में जा रही है, कभी किसी दिशा में जा रही है, ठीक है ना। जाना तो यहां से लेके कहां था? वहां। सीधी भी जा सकती थी, लेकिन इसने अपनी दिशा में क्या किया? परिवर्तन। तो हर बार जब ये ऊंचाई की ओर गई तो त्वरण में कमी आई, और जब ये नीचे आ रही थी बिना पंख फड़फड़ाए सीधियां बन गए। पक्षी कौन देखियो? ऊपर उड़ते हैं तो उनको जोर आता है, और जब नीचे गिरना हो तो उनको जोर नहीं आता। तो ये अपनी दिशा में परिवर्तन बारी बारी कर रही है, तो ये भी त्वरण का उदाहरण है। ये भी किसका उदाहरण है? त्वरण का। तो ऊपर वाले दो को देख के हम समझ सकते हैं कि एक त्वरण होता है धनात्मक, एक त्वरण होता है ऋणात्मक, और दिशात्मक के आधार पर भी, दिशा बदलने पर भी क्या उत्पन्न होता है। अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो 100 किलोमीटर की रफ्तार से, फिर आपको लेफ्ट मुड़ना है, क्या करना है? एकदम से 100 किलोमीटर पे लेफ्ट मुड़ जाओगे क्या? फिर कम करोगे, दिशा बदल लोगे, फिर राइट मुड़ना है, या लेफ्ट राइट करता करता हमारी स्पीड कैसी तैसी हो जाए, क्या नहीं यार अच्छा मोड़ आया गड़ा, मैं निकला गड्डी लेके रस्ते में, हाँ एक मोड़ आया, ठीक है मैं गड्डी होते देखे उन्होंने मोड़ा पर गाड़ी पलटेड़ी हुआ देखा होगा, तीव्र मोड़ जहां होते हैं आगे तीव्र मोड़ है खतरा, और वहां आपने देखा होगा ट्रक के पड़े हुए मुंदो पड़े हुए, ये भी पढ़ाऊंगा,
ठीक है ना, आगे सब टॉपिक आने वाले हैं, वो गदर फिल्म वाली चीज लेके आऊंगा अपने। तो ये थे त्वरण के दो प्रकार, एक धनात्मक और एक, और याद रखना त्वरण का ऋणात्मक मान मंदन कहलाता है। जब भी अंतिम वेग का मान क्या हो कम और प्रारंभिक वेग अधिक, तो त्वरण क्या होगा ऋणात्मक होगा, मंदन कहलाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट लगाओ। अब क्या ये गुरुत्वीय त्वरण तो पढ़ाना पड़ा, मजबूरी है, क्योंकि बिना बल के इसको पढ़ा नहीं सकते, फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि बल तो न्यूटन देगा हमें। हेडिंग लगाओ गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय। हाँ एक चीज और, वेग कितने प्रकार का था? तीन प्रकार का, तीसरा छोड़ दो, वो तो एवरेज था। शुरू वाले दो क्या थे? एक अचर और एक चर। जब वेग अचर और चर होते हैं ना, तो त्वरण भी अचर और क्या होता है? चर होता है। ठीक है, एक होता है वेग जीरो समय में, जो वेग था वो ही 20 सेकंड तक वेग रहा, ठीक है, तो सम यानी कि यूनिफॉर्म बोलते हैं, अचर बोलते हो गए इसको। फिर वेग में परिवर्तन हुए, ठीक है, वो बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है। तो इसी प्रकार से त्वरण भी चर और क्या होता है? अचर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लो, एक चित्र ही है। ये देखो, अभी नेगेटिव पॉजिटिव जो त्वरण दिखाया था उसको यदि ग्राफिकल डायग्राम से दिखाना हो तो कैसे दर्शाएंगे? इस प्रकार से। तो यहां पे जो है वो एक्सीलरेशन क्या है? जीरो है। जीरो क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था कार स्टार्टिंग में 30 किलोमीटर थी और लास्ट में भी चली, जब भी 30 किलोमीटर 10 सेकंड पश्चात भी रफ्तार क्या थी? 30 किलोमीटर थी। तो त्वरण का मान क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी नियत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद में आता है यूनिफॉर्म एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन, धनात्मक त्वरण। कौन सा? धनात्मक त्वरण का मतलब है टाइम के साथ साथ वेलोसिटी वेग में भी बढ़ते हुए परिवर्तन हो रहे हैं, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब अंतिम वेग हमारा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। प्रारंभिक क्या है? जीरो। यहां पे सबकी वैल्यू क्या है? ये तो है हमारा यू, ये कौन है हमारा वी। इस कंडीशन में वी बढ़ता ही जा रहा है, तो अंतिम वेग ज्यादा, प्रारंभिक वेग कम, त्वरण क्या आएगा? धनात्मक। यहां पे कौन सा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। कौन सा है? नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वस्तु का अंतिम वेग जो था v, वो तो बहुत ही क्या था? ज्यादा। लेकिन प्रारंभिक वेग क्या हो गया? कम होने लगा। ठीक है, प्रारंभिक नहीं है ये, ठीक है ना, ये आपका अंतिम वेग है क्या? ये कौन सा वेग है? प्रारंभिक। प्रारंभिक को किससे लिखते हैं? तो फिर बोले क्यों नहीं संडे, शनिवार, सॉरी। ठीक है, जब तक आप गलतियां नहीं पकड़ पाओगे तब तक सीख नहीं पाओगे। तो ये कौन सा वेग? प्रारंभिक, बहुत ही क्या था? ज्यादा। अंतिम वेग क्या होने लगा? कम होने लगा। इसका मतलब त्वरण की वैल्यू अब की बार क्या आएगी? नेगेटिव। तो ग्राफिकल से समझाना हो तो इस प्रकार से, बंदे भगा के स्केटिंग करवा के मोटरसाइकिल कार चलानी हो तो यूं है, ठीक है, लेकिन ये कार कूर के चित्र आपसे बनेंगे नहीं। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, चार ऐसे डायग्राम दे देंगे, बताइए इनमें से कौन सा चित्र जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, कौन सा मंदन को दिखा रहा है, कौन सा रिटार्डेशन को दिखा रहा है, बताओ। कितनी चीजें पूछी मैंने? तीन। कौन सा इसमें ऋणात्मक त्वरण को दिखा रहा है, कौन सा इसमें मंदन को दिखा रहा है, कौन सा रिटार्डेशन को दिखा रहा है? बात क्या है? एक ही है। कौन सा है? तीन नंबर नहीं है, तीन नंबर ये है। नंबर मैं दूंगा नहीं इसको, मैं तीन नंबर पे दूंगा, इसको पहले पहले पे दूंगा। तो ये चीज है। देखो ठीक है, मैं क्यों ऐसी बातें बोलता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी सोच बदलो। क्या बदलो? कि जो चीज क्लास में करवाई जा रही है, जो नंबर वन पे करवाई जा रही है, क्या वही पेपर में पहला क्वेश्चन आएगा क्या? मैं जिस तरीके से चीजें करवा रहा हूं, क्या ऑप्शन में उसी प्रकार से व्यवस्थित होंगी क्या? तो दिमाग को ऐसा बना लो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो उस तरीके से कभी आएगा ही नहीं, ध्यान रखना, तब जाके खुशी होगी पेपर को देखोगे। कहा आता मैंने पहले ही पतो कि जी हमें पढ़े अभी पेपर आनो को नहीं। और अगर आप मन में ये लेके जाओगे आ हा अपनी तैयारी बड़ी है, पेपर चाहे किसो ही आ जाए, पेपर आ गयो अल्लाह लो के आ गए, वो तुम्हें पढ़े ही को नहीं, तो अपेक्षाओं से अनुरूप आएगा फिर वो। तो अपेक्षा ही मत करो ना, क्या मत करो, उम्मीद ही मत करो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पेपर में है। देखो फिर क्या पढ़ो, ठीक है, पढ़ रहे हो वही पेपर में आएगा, लेकिन उस तरीके से आए ये जरूरी नहीं है जिससे हम पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, तो त्वरण दो प्रकार के, तीन प्रकार के, सॉरी, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और
नेगेटिव मेन ना तो पॉजिटिव है ना ही जीरो है, मेन कौन है? वो तीसरा है नेगेटिव मंदन, ध्यान रखना ठीक है, वो आगे पता लगेगा अभी। अब चलते हैं अपने किस पर, गुरुत्वीय त्वरण। लिखो, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित करती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करती है? आकर्षित करती है। याद आयो कि नीचे कौन बैठे हैं? हैं? ये सेम मशहूर एक्सपेरिमेंट, वो सेब का पेड़ और सेब का गिरना, ठीक है, किसने देखा? सभी ने देखा। कहीं कौन देखे आज तक, थे कौन देखे हो? मतीरे के पेड़ से मतीरे का नीचे गिरना है, कोई ठा नहीं थे कि रा दो भी। प्रकृति ने देखो इतनी बढ़िया व्यवस्था की है, मतीरा इतना बड़ा 15-20 किलो को हो जाओगे, ठीक है, इसलिए उसको पेड़ पे नहीं उगाया, कहा उगाया? जमीन पे। क्यों? अगर न्यूटन के सिर पे क्या गिर जाता, मतीरो गिर जाता तो उसका न्यूटन ही दुनिया में वो तो ही ना मर जानते बापड़ो। ये वास्ते छोटी चीजें ऊपर गिरे, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें ऊपर से नहीं गिरती, बड़ी मजबूती से बंधी होती है, चाहे वो नारियल हो और चाहे वो कटल हो। कटल देखिए क्या हुआ, कटल एक सब्जी है कि फ्रूट है? था लगा था ना, सब्जी किसे कहते हैं, वेजिटेबल्स क्या होते हैं और फ्रूट क्या होते हैं, चला पहली क्लास में भिंडी है यहां करके पढ़ाऊंगे था ना। तो कटल का पेड़ है, कटल होता है 50-50 किलो का, 35-35 किलो का, और तीखो तीखा दांता और हुआ है, लेकिन अपने आप टूट के नहीं गिरता, बड़ी मजबूती से बंधा होता है। नारियल बड़ा ऊपर लगा हुआ है, ऊपर यानी कि एच हाइट, एम नारियल का द्रव्यमान, 2-3-4 किलो को तो है गो, और नीचे बैठे हो थे, और एम एच से जी के कारण आपके सिर पे आके गिर जाए तो आपका कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर जगह विज्ञान है देखो, लेकिन उस तक पहुंचने में टाइम, पहले देखते हैं कौन सा त्वरण गुरुत्वीय है। तो हमने क्या लिखा, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक विशेष बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। लिखो इस प्रकार, पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु, इस प्रकार पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को, इस प्रकार पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप ही गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब ये सेब पहले पेड़ पे लटका हुआ था, जैसे ही ये पक गया, इसकी डंडी कमजोर हुई, ये क्या हुआ, गिरा, और गिर रहा है बिना किसी और बाधा के, मुक्त अवस्था में। किसकी ओर गिर रहा है? पृथ्वी की ओर। ये पृथ्वी की ओर जा रहा है, यहां पर मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी की ओर क्या हो रहा है, गिर रहा है। इसकी वजह से इसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन। जब पेड़ पे लटका हुआ था तब वेग क्या था, प्रारंभिक वेग शून्य क्या था, और जैसे ही टूटा वेग में क्या हुआ, परिवर्तन। परिवर्तन हुआ तो जैसे ही वेग में परिवर्तन अर्थात डेल्टा क्या हुआ, वी, तो जाहिर सी बात है परिवर्तन में कुछ क्या लगा होगा, समय, और वो डेल्टा टी, और इस प्रकार से जो उत्पन्न हुआ एक्सेलरेशन है ए, उसको ए नहीं माना गया। क्या नहीं माना गया? इसको ए न मानकर इसको क्या माना गया, जी। क्या माना गया? जी। और ये जी कौन है? ये गुरुत्वीय त्वरण है। ये क्या है? इसको जी क्यों माना गया, बाकियों से अलग क्यों रखा? क्योंकि कार में वो त्वरण पैदा करने के लिए इंजन लगाया है। क्या लगाया है?
इंजन में तेल डालेंगे, पेडल मारेंगे, पूरी मैकेनिज्म बना दिया, क्या वो अपने आप होता है? नहीं, ये अपने आप प्रकृति के नियमों से है ना, ये नेचुरली है, ये तो होएगा ही होएगा। इसके लिए हमें कोई अलग से व्यवस्था करने की जरूरत है क्या कि सेब के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक मोटर लगानी पड़ेगी जब जाके सेब की ओसी नीचे पड़ेगा, नहीं तो सड़ो हवा में रह जाओ, ऊपर फूंक मारनी पड़ेगी, हवा मारेंगे तब जाके वो क्या आएगा, कुछ अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ी क्या? तो नहीं पड़ी ना, तो इसको अलग ही कर दिया कि भाई अपने आप होता है ये, इसलिए नाम क्या दिया, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो कहते हैं जी ये जी है, क्या है? हाँ लिखो इसका प्रतीक छोटा जी, बड़ा जी अलग है, जी काट दे वो जी, इसका प्रतीक क्या है हिंदी में ना लिख लो छोटा जी, ठीक है ये लिख लेना। और इसका मान पृथ्वी की सतह पर, इसका मान पृथ्वी की कहां सतह पर, ऊपर जो यहां है हम, या सतह से ऊपर भी कह सकते हो, हमारे वायुमंडल के अंतर्गत, अंतरिक्ष में नहीं जाना, वहां ये चीजें चेंज हो जाएंगी, दूसरे ग्रह पे नहीं जाना, यहीं रह के बातें करनी है। रटे मारने के लिए किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, चंद्रमा पे त्वरण का मान कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चंद्रमा पे कितना है, मंगल ग्रह पे कितना है, आपा बुध ग्रह पर गए ही नहीं, आपा ने कहा कितना है, कोई मतलब नहीं, अपने की बात कहां करनी है, पृथ्वी की, ठीक है वो याद रखो आप कितना है, वो मेरा करवाना काम नहीं है। इसका मान कितना है, नौ मीट्रिक प्रणाली में 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, किसमें होता है ये, एमकेएस या एसआई में, इसका मान मेट्रिक या एसआई प्रणाली में 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। रटे लगे हुए ये तो क्यों लगेड़ा, या 10 होता है, ये लेते हैं गणनाओं में, या तो 9.8 ही ले लो, या प्रश्न जब तक ना कहे तब तक कितना लेना है, और यदि आपका 9.8 से 1 से 4 ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब अगले ने क्या मान के लिया, राउंड फिगर, ठीक है। आप यदि 99.81 रुपए का तेल डलवाते हो तो अगले कितने रुपए देते हो, 100 देते हो ना, तो राउंड फिगर हो जाता है, तो राउंड फिगर यहां पे कर लिया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो तो यही है अभी, ठीक है। प्रणालियां तो कई है, बोलो कितना आएगा, इसलिए रूपांतरण का था, पढ़ के आओ ना, एफपीएस लिख लियो आगे, धंठा को निकल लिखना है, बोलो भाई ये है मीटर, 9.81 मीटर सेकंड, सेकंड हर यूनिट के अंदर यूनिट सेम है समय की, प्रणाली के अंदर सब प्रणालियों में समय की इकाई क्या है, सेम, तो इसका मतलब ये सेकंड से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है, मीटर से संबंधित है। कौन सी प्रणाली, ब्रिटिश, कौन सी प्रणाली, ब्रिटिश में लंबाई किसमें होती है, अरे लिखे हो पड़े बावड़ी त्रेड़ों, देखो फुट में, किसमें, हाँ तो 9.81 मीटर में कितने फुट होते हैं, जरा निकाल के बताना, जल्दी करो, यूं मतलब थे पढ़ने को ला रहे, देखो काम नहीं हुआ, जो टेस्ट में आना उसको हाथ ही लगा रहे, बाताओं को नहीं वह करना पड़े, कर गुणा कर, काट के बताओ, बातों से काम नहीं होगा, पेन चलाओ दिमाग चलाओ, पेन चल जाएगा दिमाग नहीं चलेगा, हाँ भी किसी किसने कर लिया, हाथ खड़े करना, उत्तर कोई नहीं बोलेगा, 9.81 मीटर को फुट में बदलो, मेडल लगा हुआ है, रटा ठह गुनी आयो की है। कौन बदली जाए, हाँ है, हैं गुना गलत हो गया, चल कोई नहीं 31 समथिंग पहुंच गए, ठीक है। हाँ भी हाँ ऋषि मुनि, बड़ा दिन बाद दर्शन दिया है, हाँ राजीव आज ही करना है, बोल कितो आयो, 30 आयो है, इंगो 31 आयो है, 32 आयो ना विनोद, फिर 33 31 मार ले रटा दे तो। ब्रिटिश प्रणाली में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है,
अप्रोक्सीमेट 32 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्रणाली तो तीन है कि चार है? तीन ही है। अच्छा, ऐसा ही कि नहीं, खा गयो, लेकिन ऐसा ही इसके अंदर है, ध्यान रखना, समझ गए ना। हाँ, तीसरी कौन सी? सीजीएस बोलो विमान। सीजी, अरे लड़ो ना, इस 9.81 का गुणा करना था 3.28 से। किससे करना था? क्योंकि एक मीटर में 3.28 क्या होते हैं? फुट होते हैं। इसका गुणा जब 3.28 से करोगे ना तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेट लमसम की तो 32 मान लियो बिना। हाँ, नेक्स्ट यूनिट सीजीएस कौन सी प्रणाली? हाँ, तो अब इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, सेकंड तो आएगा ही आएगा। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, तो 9.8 एक मीटर में कितने सेंटीमीटर? वही तो सरल ही है, 981 क्या सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण के मान हैं जो आपने याद रखने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन गणनाओं में यही काम में आता है, गणनाओं में यही काम में आता है। ठीक है, अब ये आया कैसे? अरे बताओ भी, तैयारी कर ली थे, असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, इंजन चलाना है, जी ही रेस देगा, ट्रेन जीरो से आगे बढ़ेगी, त्वरण उत्पन्न होगा, उसमें रेल के पहिए जो है वो पटरियों से घर्षण करेंगे नहीं करेंगे? कई बार पहिया तिलकन लग जाए बरसात के मौसम में, तो मिट्टी गिरी जाती है, सैंड स्प्रे किया जाता है ताकि वो क्या बना सके, फ्रिक्शन, और ट्रेन क्या बढ़ सके आगे, नहीं तो ट्रेन क्या जी पुठी। कई बार एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से गए टक्करी खा जाए। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा ट्रेन ने झटका सा मारा एक डब्बे को, सारा डब्बा दर 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 करता रहा। हाँ, तो ये कहां से आएगा? इन्हीं सब टॉपिकों से तो आना है। हाँ बोलो भी, के आया कैसे वो 9.8 एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे आया? कहते नियतांक है। क्या है? अरे नियतांक का भी तो निकालने का एक तरीका होता है। एक एम्पेयर की विद्युत धारा कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकालने पर आती है? 6.24 × 10^18। वो आयो किया, हर एक कॉन्स्टेंट आने का फॉर्मूला होता है, कुछ तो पता होना चाहिए। चलो बताता हूं, किरण ने कि सब फॉर्मूला यार, टॉपिक करा नहीं आगे चला, न्यूटन का चला भाई जी, डिकल आ रहा है कई दिन हो गया। चलो अभी तो देखो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आगे बताऊंगा कैसे निकलेगा। गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, जी बराबर जी इंटू एम बटा में आर स्क्वायर। वो तो याद हो, किस किस को याद है ये कि गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला ये है, जी बराबर जी इंटू एम बटा में आर स्क्वायर। ये एम किसका है? चलो एम नहीं लिखते, थोड़ा दिक्कत होएगी। ई, ये आर भी किसका है? ई का। ई मतलब अर्थ, ई मतलब अर्थ। ये जी है गुरुत्वीय नियतांक। कोई बता सकता है गुरुत्वीय नियतांक की वैल्यू कितनी है? है? हाँ बोलो बोलो, की आवाज ध्वनि जानी पहचानी से लगी तो है। हाँ विनोद बोल, छह पॉइंट समथिंग है। ठीक है, समथिंग समथिंग की है वो, सारा खेल तो वो समथिंग है। चलो देखेंगे, एम द्रव्यमान, एम क्या है, किसका द्रव्यमान? पृथ्वी का। हमारी पृथ्वी तोल लो कितने की है, 1.5-2 किलो की होनी, देखेंगे अभी। आर पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, लिखो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर जी एम जी इंटू एम या जी एम बटा में आर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जी की जो सूत्र है वो क्या है, जी बराबर जी इंटू एम बटा में आर की स्क्वायर। लिखो यहां जी गुरुत्वीय नियतांक, यहां जी क्या है, गुरुत्वीय नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मान होता है 6.24
छह सात समथिंग यानी 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर ऑब्लिक केजी स्क्वेयर। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद में m बराबर लिखो पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितनी, पृथ्वी के पास द्रव्यमान है तो ये है 5.792 गुणा 10^24 केजी। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 5.792 इंटू 10^ कितनी 24 किलोग्राम। 10^24 मतलब इकाई दाई सैकड़ा हजार करना है। पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ रहा है समय के साथ साथ या घट रहा है, ये नियत रहता है, है? पृथ्वी का द्रव्यमान समय के साथ बढ़ रहा है या नियत रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है क्या? मेरे 121 करोड़ भारतीयों 10 साल पहले और आज मेरे 146 करोड़ भारतीयों, 121 करोड़ थे अब कितने हो गए, 146, कितने बढ़ गए, 25 करोड़ कितने बढ़ गए, हाँ 25 करोड़ बढ़ गया, क्या बढ़ गए ना, हाँ क्या इतने ही मर गए क्या, बढ़े ही हैं। ठीक है, हमने कुछ खाया, हमने कुछ निकाला, हर बार खाद्यान्न उगा रहे हैं, उगा रहे कि नहीं उगा रहे, द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, पचा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, कचरा इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो ये क्या है, नियत नहीं है। अब तक ठीक है, इतना मान के चलते हैं कि इतना ही हो सकता है। ठीक है, 24 बहुत होता है 10^10, इकाई दाई करना 12-13 पर खत्म हो जाते हैं हमारे वो अरब खरब 10 खरब के बाद में आगे बोल लीजिए कौन मारूं, तो ये तो उससे भी कई क्या है, डबल है उससे, इतना द्रव्यमान किसका। उसके बाद में आर क्या है, लिखो पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6.371 गुणा 10^6 क्या मीटर। ठीक है, और अब ये तीनों मान जो है ना इस सूत्र में लिख दो और हल कर लेना घर जाके, समझ गए क्या, ये तीनों की तीनों वैल्यू, जी की वैल्यू यहां लिखो, टाइम की वैल्यू यहां लिखो, आर की वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर करो। ठीक है, और फिर उसको जब सॉल्व करोगे, यानी कि मैं गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालूं जी, तो मेरे फॉर्मूले में आंकड़े रखने हैं, आंकड़े सबसे पहले रख देता हूं, जी का जो है 6.67 गुणा 10^-11 निशान किसका, गुणा का, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.792 गुणा 10^24 बटा में पृथ्वी की त्रिज्या 6.371 गुणा 10^6 और इसका स्क्वायर। जब इन आंकड़ों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तो एक उत्तर आता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है किसका मान, मेरा तो है नहीं, किसका है, जी का, गुरुत्वीय त्वरण का, उतार लो। रेलवे में इंटरव्यू हो ना तब ये बड़ा काम का है, लेकिन शुक्र है रेलवे में क्या नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, होना चाहिए नहीं। हमारा टाइम मारना है, मान याद रख ली, पेपर में पूछूंगा ये कौन रखा नहीं है, नहीं तो मेरा तो काम 9.81 से चल रहा था,
ये बताने के लिए टेस्ट में ये भी आएगा, अरे सारणी है ना। हाँ तो करो याद, मेरे भरोसे मत रहना कि थे क्यों भेजो, कौन भेजो, क्या कर ले बाते? टेस्ट में दे दूंगा, अब ढूंढो अपना, किताबें नहीं है क्या आपके पास विज्ञान की? अरे एक आधी किताब साइंस की तो नहीं कोई है? नहीं है तो लूसेंट वाली बल लिया हो, सामान्य विज्ञान बात समझ में कौन आनी, तो लूसेंट सामान्य ज्ञान ले आना। आई टी वाली किताब होनी कार्यशाला गणना वे विज्ञान की तो हो, जी तो हो पढ़ने को, हाँ जी तो लिया हो किताब, जी है तो थरो ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? थारे थारे चेहरा देख लगा थाना भयंकर समस्या आने ला रही है जी जी आगे बढ़े हाँ ठीक है। न्यूटन भाई जी आए था रेल बना देगा, तो ये क्या था? ये था गुरुत्वीय त्वरण। अब हम कहाँ हैं? पृथ्वी की सतह पर किस जगह? भूगोल पढ़ावा कि थाने कोई पढ़ी होनी कभी जिंदगी में, भूगोल पृथ्वी देखी होनी। हम कहाँ हैं पृथ्वी पर? हम भूमध्य रेखा के निकट है या उससे दूर है? कोई अर्थ का इक्वेटर नाम की चीज होती है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, कहते हैं ना। पृथ्वी पर ध्रुव हैं कितने? आंगलियां ना गिन लियो, याद होना चाहिए थे। आप बोले भूगोल पढ़ है मारो, कितना ध्रुव है वो तो मैं कह रहे हो, यहाँ पृथ्वी पर ध्रुव है कितने ही है, अगर पांच नाम बता दियो कितना है, दो कौन कौन से, एक नॉर्थ और एक साउथ, एक उत्तरी ध्रुव और एक अंटार्कटिका और एक आर्कटिक। सुना है नाम की नहीं सुना? ध्रुवों पर क्या जमी है? ओ कोई और पूछे थारो, और गूगल भी तो जमण रही ठीक है ना। आ जाओ लिखो नई लाइन से, लिखो गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर क्या होता है सर्वाधिक, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य ध्रुवों पर सर्वाधिक व भूमध्य रेखा पर सबसे क्या होता है, कम होता है। और यदि हम पृथ्वी के केंद्र में चले जाएं तो हैं? हाँ, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं त्वरण घटता है, और दूरी बढ़ने से त्वरण बढ़ता है। मैक्सिमम कितना जा सकता है? 9.81, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, समझ गए? क्योंकि हम पृथ्वी की त्रिज्या से बारी कुछ रेंज तक ही ऊपर जा सकते हैं, उसके बाद तो हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ही क्या निकल जाएंगे, और जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गए फिर हम पर वो गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करेगा, फिर हमें हो सकता है चांद अपनी और खींच ले, फिर हो सकता है सूरज के इन्ना आजा पृथ्वी का केपड़े उठे ठीक है, फिर हो सकता है कि आपको मंगल ग्रह खींचे अपनी और के मेरे पास आ जा, कोई बृहस्पति खींच ले ठीक है ना। और ये खींचने के बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने। न्यूटन कहता है हर कोई एक दूसरे को खींच रहा है, हर कोई, हाँ हर कोई चीज जो एक द्रव्यमान रखती है वो दूसरी द्रव्यमान रखने वाली वस्तु को अपनी ओर क्या कर रही है, खींच रही है। इसी खिंचाव से तो हम सारे घूम रहे। अब यहाँ लागे को नहीं, मैं तनकट खींचने ला रहा हूं नहीं। हाँ लेकिन ये सामान्य रूप से आम आदमियों को समझाना थोड़ा कठिन है, थे तो खास हो, थे तो क्या कर ली, हाँ बड़ो मोटी डिग्री ले रखी है तान तो पता लग जाएगा। तो पृथ्वी को मान लेते हैं कि इस जगह पर एक पोल है और इस जगह पर क्या है, दूसरा पोल है। यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, यहाँ पे मान लेते हैं साउथ पोल है, और यहां से एक रेखा गुजरती है, कौन सी? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? तो यहां खड़े हो और यहां खड़े हो तो इस त्वरण का मान सबसे ज्यादा आपको महसूस होगा, और यदि आप भूमध्य रेखा पर कहीं भी हो तो आपको त्वरण सबसे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कम का मतलब ये नहीं है कि जीरो हो जाएगा, 9.81 से थोड़ा बहुत कम होएगा, समझ रहे हो ना। और केंद्र में घुस गए, मोरो करो पृथ्वी का मॉडल मशीनों ठीक है, और कहां चले गए, कोर तक चले गए, तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई समस्या गुड़ती हो त्वरण में? लिखो आगे नई लाइन से, लिखो जब कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के कारण
नीचे गिरती है जब कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के कारण क्या होती है, नीचे गिरती है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी पॉजिटिव होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है। जब कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के कारण ऊपर से क्या गिर रही है, नीचे, तो जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ये गिरता हुआ सेब, ठीक है, हाँ, ऊपर से कोई पक्षी के गोली मारी, वो नीचे गिर रहा है, उस समय गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, वो पॉजिटिव है। थाने छा तू के फेंक दियो नीचे है, थे गिरन लाग रहे हो, ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, वो पॉजिटिव है, समझ गए। और उल्टा कब होगा, हाँ तो लिखो, तथा पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकी गई वस्तु में त्वरण ऋणात्मक होता है, गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होता है, तथा जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऐसे लिख लो, तथा जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, उदाहरण मैंने पहले दिए थे, बॉल फेंकी ऊपर, मैंने कहा था कुछ समय रुकी फिर वापस क्या आई, नीचे, लेकिन उस समय हमारे पास गुरुत्वाकर्षण नाम की चीज नहीं थी, अब आ गई। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, उस कंडीशन में जो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण वो कार्य करेगा, वो एडिशनल फोर्स अपना ऐड करेगा उसके अंदर, जिससे त्वरण पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि हम नीचे से वस्तु को क्या फेंक रहे हैं, ऊपर, तो वो वस्तु गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में क्या कर रही है, कार्य, गुरुत्वाकर्षण उसके वेग को कम करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, और वेग को कम करने के प्रयास के कारण ही वो वस्तु ऊपर जाके रुक जाती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल उस पर अपना प्रभाव ना दिखाए तो एक बार फेंकी गई वस्तु कभी पृथ्वी की सतह पर लौट कर नहीं आएगी, ठीक है, वो कहां चली जाएगी, वो अंतरिक्ष में, तो क्रिकेट में फिर क्या होएगा, क्रिकेट में कौन ही नहीं, तो सूर्य कुमार यादव जो को कैच लियो वो उछले हो ही गयो, वो वापस नीचे आता ही नहीं, वो हर चीज पे इंपैक्ट पड़ता, आप तो सिर्फ एक छोटे से उदाहरण से समझ रहे हो, ठीक है ना, जो भी चीज थोड़ी सी उछाल दी टॉस करियो अडिक्का है किने सिक्के न किने गयो, वो तो गयो, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। तो पृथ्वी की सतह से किसी भी चीज को जब ऊपर उछाला जाएगा तो रिटार्डेशन प्राप्त होता है, गुरुत्वीय मंदन, त्वरण का कौन सा मान, ऋणात्मक मान, और ऊपर से जब वो चीज क्या आती है नीचे, तो हमें पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। कोई समस्या है, क्या सभी वस्तुओं पर गुरुत्वीय त्वरण एक समान रूप से कार्य करता है या अलग अलग, देखो गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है या गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो सब वस्तुओं पर एक समान रूप से काम करता है या अलग अलग रूप से काम करता है, अलग अलग वाले अलग अलग हाथ खड़े करो, और जो कहते हैं समान काम करता है वो हाथ खड़े करो, अलग अलग कर देते हैं, पहले बताओ कौन कौन कहता है कि अलग अलग वस्तु पर अलग अलग तरीकों से काम करता है, हाथ खड़े करो, ठीक है, और कौन कहता है जी गुरुत्वीय त्वरण हमेशा हर वस्तु पर एक समान रूप से कार्य करता है, एक दिनों देख ऐसा मौका पर है चश्मा ठीक करना, हाथ उठाना माने जाओ, ध्यान रखी यहां करके खाज करनी, ठीक है, वो हाथ उठाने की श्रेणी में आएगा, उसके अंदर ऐड कर लिया जाएगा, तो मात्र एक जने ने कहा है कि ये हर वस्तु पर समान रूप से कार्य करता है और बाकी सभी गलत है, बाकी सभी गलत है, अच्छा नहीं है, एक समान रूप से कार्य नहीं करता, अलग अलग कार्य करता है, वस्तु भारी भी होती है, वस्तु अड़की भी होती है, वो सड़ो बाहर के हुए ठंडा है के पहला ऐसे मैं टॉपिक देने ला रहे हो, आप पे ही बिना पूछे आप मेरे को क्या दे रहे हो कि टॉपिक को कराओ मन है, ठीक है, हाँ, तो ये तब तक क्लेरिफाई नहीं हो पाएगा जब तक हमारे पास द्रव्यमान ना हो, क्या ना हो, और हमारे पास बाहर ना हो, और हमारे पास द्रव्यमान हो और चाहे बाहर हो, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पर एक समान रूप से कार्य करता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वेयर। मैं आलू उछाड़ूंगा तो भी पर तो साढ़ा 9.8 है को काम करेगा, जो बैंगन उछाड़े भी पर 3.21 को काम करेगा, ये आएगा नंबू, फुटबॉल पे अलग
गुरुत्वाकर्षण त्वरण काम करेगा और क्रिकेट वाली बॉल पे अलग करता है, क्योंकि फुटबॉल वजन में हल्की, क्रिकेट वाली बॉल वजन में कटहली खेड़ो है। लंबू को अपने एक बीएसएनएल वाले बड़े वाले टावर पे चढ़ा देते हैं, इसमें लंबू का द्रव्यमान कितना है तेरो है, इनको द्रव्यमान है 70 kg। क्या है? 70 kg के लंबू को एक 200 मीटर ऊंचे टावर पे बिठा दिया और वहां पे मैं भी खड़ा हूं, मेरे हाथ में क्रिकेट की बॉल है, बॉल लंबू के एकदम पैर के पास रख के लंबू और बॉल को एक साथ नीचे के हाथ दे दिया, धक्का, पहले जमीन पर कौन पहुंचेगा, पहले भूमि को टच कौन करेगा। हाँ बोल भी लंबू, तू आ भी बता दे। ये चाबी वजन में क्या है, ज्यादा वजनदार है, द्रव्यमान ज्यादा है। ये मार्कर वजन में क्या है, हल्का। यदि मैं एक समान समय से एक समान ऊंचाई से इन दोनों को छोड़ू तो पहले जमीन पर कौन पहुंचेगा है, चाबी पहुंचेगी, कौन पहुंचेगी, चाबी। अब ध्यान से देखना, आराम से है, चाबी पहुंची है पहला। अच्छा स्लो मोशन को कैमरो है कि नहीं के? मैं रिकॉर्डिंग घर जाके कर लिया, वो टूट जल रही एक ही हुआ प्रैक्टिकल ही था, लंबू ले गए प्रैक्टिकल एक ही कर सका नहीं, लुबर तो मैंने रिसीन लेना पड़ सी और यहां करके मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं क्रिकेट की बोल ना, ठीक है। अगर ध्यान से देखा हो तो एक प्रैक्टिकल करना घर जाके 12 जाके कर लियो थे 11 बजे, ईंट मिल जी रहा मैं, अरे ईंट ठीक है, एक ईंट लेना वो द्रव्यमान कितना 2.5-3 kg, अरे एक कितो सो कोई टुकड़ो लेना पत्थर का, पैर अपने दोनों ही आगे कर लेना और दोनों को एक ही समय पर छोड़ना है, एक जितनी ऊंचाई से पहला देखा पैर के कुंड टच हुए, ईंट के बुका करो, माना के पीड़ ज्यादा हो सी वो ही थन लासी, ओ पहला पड़े है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो गुरुत्व त्वरण हर वस्तु पर एक समान रूप से कार्य करता है, शर्त ही है उनकी ऊंचाई क्या हो, सेम हो। वो ऐसे नहीं है कि एक वस्तु को तो साढ़े को ध्रुव पे रख रखा है, एक को भूमध्य रेखा पर रख रखा है, ऐसे नहीं करना, एक ही जगह पर अगर छोड़ोगे तो गुरुत्व त्वरण हर वस्तु पर समान रूप से क्या करेगा, कार्य करेगा, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी हो। ऋषि को टावर पे चढ़ा के फेंक दो और साथ में उसको फेंक दो एक चिंटी को, किसको, चिंटी को, शर्त है निर्वात होना चाहिए, हवा नहीं चलती है, आंधी साढ़े चिंटी तो उड़ा ले जाएगी ऋषि, दप ऐसे नहीं, तो चिंटी और ऋषि दोनों एक ही समय पर भूमि को क्या करेंगे, टच करेंगे। यहां तीनों छोरियां ना बांध गए, ठीक है, द्रव्यमान क्वांटल लेके नेड़े है पहुंच गयो, ठीक है, फिर वो स्टूल ले लो, इन तीनों को बांध के स्टूल को एक समय पर यदि एक ऊंचाई से छोड़ा जाए तो कौन नीचे पहुंचेगा, कंडीशन है हवा नहीं चलनी चाहिए, निर्वात होना चाहिए, ये वैल्यू एक, ये जो प्रैक्टिकल है निश्चित एनवायरमेंट में किए जाते हैं, तो बताओ छोरियां पहला नीचे पड़ेगी ये स्टूल, कौन गिरेंगे, कोई नहीं गिरेगा, दोनों एक समान समय पर जाके कितनी मर्जी बार प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए, स्लो मोशन के कैमरे से ऊंचाई पे खड़े होके इंटा अंटा डंगू गिराएगा कहीं सिर पर ना पटक दियो, ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा आपको प्रैक्टिकल करने का, समझ में आ रही बात। हाँ तो क्या अब उत्तर मिल गया आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल हर वस्तु पर एक समान रूप से कार्य करता है या अलग अलग रूप से, एक समान रूप से क्या करता है, कार्य करता है, याद रख लोगे, इतनी बात याद रख लोगे तो कल हम कुछ और पढ़ने के लायक हो जाएंगे, और हो सकता है कल हमारी मुलाकात हो किससे, आइजैक न्यूटन से, किससे, हाँ ओखो बहुत है मैं मिल लो, इंटरव्यू कितना दिन हो गया, दिले बापड़ा मिलन गया, दरखास्त लगाई ना, ठीक है, हो सकता है कल मिल जाए।